हॉस्पिटलिटी इंडिया जो टीम है और उसके डायरेक्टर कालरा साहब हैं और उनकी टीम है, उनको मैं थैंक्स कहना चाहूँगा जो ऐसे फंक्शन उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है मुंबई शहर में, जिसमें हॉस्पिटलिटी क्षेत्र के और हमारे टूरिज़्म क्षेत्र के और जितने भी इस टूरिज़्म फील्ड के कंपनीज़ हैं और उनके प्रतिनिधि हैं, उनके एग्जीक्यूटिव हैं, उनको एक छत पर उन्होंने यहाँ पे एक मौका दिया है B2B का, जिसमें हम एक दूसरे के टूरिज़्म पॉलिसीज़, टूरिज़्म की जो पॉलिसीज़ हैं हमारे स्टेट में, जो टूरिस्ट को जो फैसिलिटी दी जा रही है वो हम एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे से साझा करके हम उसको और आगे बढ़ा सकते हैं और लोगों तक पहुँचा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हम एक छत पर एक फील्ड के लोग, डिफरेंट डिफरेंट वर्क करने वाले सब एक छत पे हम मिले हैं और एक दूसरे से ये बातें शेयर कर रहे हैं। कितना ज़रूरी है सर इस तरह का कार्यक्रम करना? नहीं, इस तरह का आयोजन होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए और हम इस आयोजन में हम आए हैं, इसके लिए हम गर्व महसूस करते हैं कि ऐसे आयोजन में हम आए और आगे भी ऐसे आयोजनों में आना चाहते हैं। ऐसे टूरिज़्म से रिलेटेड आयोजन करना ही चाहिए जिससे सब एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे से बातें करें, जिससे एक दूसरे के स्टेट के बारे में हम जानें और आगे भी नई नई चीज़ों को, नई नई योजनाओं को, नई नई पॉलिसीज़ को हम शेयर करें। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में अभी 24 फरवरी से लेकर 8 मार्च तक राजिम कुंभ मेला का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें देश भर के साधु संत और टूरिज़्म से रिलेटेड कंपनीज और दूसरे स्टेट टूरिज़्म से भी हमारे गेस्ट और टूरिस्ट आते हैं। मैं सभी को इस राजिम को आने वाले राजिम कुंभ के में छत्तीसगढ़ आमंत्रित करता हूं, छत्तीसगढ़ बुलाना चाहता हूं, हमारे छत्तीसगढ़ टूरिज़्म बोर्ड की ओर से सबको आमंत्रित करता हूं कि वो छत्तीसगढ़ आएँ, इसी के साथ साथ इस मेले के साथ साथ छत्तीसगढ़ के डेस्टिनेशन में घूमें और छत्तीसगढ़ को पहचानें, छत्तीसगढ़ को जानें, यही मैं सबसे आग्रह करता हूं कि वो छत्तीसगढ़ आएँ। सर आखिरी सवाल, छत्तीसगढ़ घूमने के लिए अच्छा जगह आप बता रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ को लेकर हमेशा नक्सली से जोड़ा जाता है हमेशा, लेकिन आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, मीडिया में ऐसा हो जाता है कि खबरें थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, पर ऐसा नहीं है। छत्तीसगढ़ में जहाँ पे ऐसी घटनाएँ हुई होंगी वो हमारे एक डेस्टिनेशन पे कभी नहीं हुआ है, और छत्तीसगढ़ की पहचान ही ट्राइबल कल्चर से है। हमारे डेस्टिनेशन तो बहुत है, लेकिन हमारी जो पहचान है, हमारे जो इंटरनेशनल पहचान, नेशनल इंटरनेशनल पहचान है, वो छत्तीसगढ़ के ट्राइबल कल्चर से है, जो हमारे बस्तर क्षेत्र में है, और वहाँ बहुत सारे डेस्टिनेशन, वाटरफॉल्स हैं, कैब्स हैं, हमारे रिसॉर्ट्स हैं, जहाँ पर टूरिस्ट आते हैं उनको बहुत, जब वो हमारे छत्तीसगढ़ आते हैं, कोई भी टूरिस्ट हमारे छत्तीसगढ़ आते हैं, घूमते हैं, उसके बाद उनको पता चलता है कि ये सारी बातें जो है, जो मीडिया में चलती हैं, नक्सली, ये सब गलत है। ऐसे टूरिज़्म जो डेस्टिनेशन है वहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे सारे स्टाफ 24 आवर वहाँ ड्यूटी करते हैं, रहते हैं, घूमते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं सभी को हमारे ऐसे डेस्टिनेशन में भी, हमारे इवेंट्स में भी, हमारे राजिम कुंभ मेले में भी, और हमारे छत्तीसगढ़ में और भी डेस्टिनेशन है जहाँ पे मैं सभी को आमंत्रित करना चाहता हूँ, आएँ और छत्तीसगढ़ को पहचानें, छत्तीसगढ़ को जानें, यही कहना चाहूँगा। ऐसा है कि ये अवार्ड्स वैसे हमने आज से 7 साल पहले शुरू किए थे बॉम्बे में, और मैं मोदी जी की लाइन को, अपने प्रधानमंत्री जी की लाइन को फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा था कि टूरिज़्म की बढ़ोतरी मतलब देश की बढ़ोतरी, तो उसी लाइन पे मैं चलते हुए अपने जितनी मेरी हिम्मत है मैं हर स्टेट को प्रमोट करता हूँ, क्योंकि हमें जो बाहर जाना है हिंदुस्तान से बाहर, हमारे अपने देश के अंदर ही कल्चर इतना अच्छा है, खाना इतना अच्छा है, सीनरी इतनी अच्छी है, तो हम उसको क्यों ना प्रमोट करें। तो ये सब प्रधानमंत्री जी के जो लफ्ज़ थे उसी उस पर मैं चल रहा हूँ, उन्हीं लाइनों पर, कि मैं अगर कुछ थोड़ा सा 1% भी कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। सर, जैसे कि आपने कहा कि 7 साल पहले आपने शुरू किए थे, तो कितना टूरिज़्म बढ़ा है, कुछ बताना चाहेंगे? टूरिज़्म तो काफ़ी बढ़ा है हमारा, सिर्फ ये पेंडेमिक के इस दौरान ये टूरिज़्म में ये मामला हुआ था। टूरिज़्म तो हमारे देश का पहले भी बहुत अच्छा था और अब भी बहुत अच्छा है, सिर्फ बीच में जो ऐसा वक्त आया जो सबने सफ़र किया उसी के कारण थोड़ा सा टाइम ख़राब था, बाकी तो टूरिज़्म में इंडिया कभी भी पीछे नहीं रहा। और आज ही लोगों को अवार्ड दिया गया है, इंडिया, पूरे इंडिया से थे कि सिर्फ मुंबई की, तो किस तरह से आप लोगों ने? नहीं नहीं, ये अवार्ड एक्चुअली हम सारे ऑल ओवर इंडिया देखते हैं, होटल्स को देखते हैं, एयरलाइंस को देखते हैं और टूरिज़्म स्टेट्स को देखते हैं, तो मतलब ये वैसे ये नेशनल लेवल पर ही करते हैं हम ये इवेंट।
सर कौन डिसाइड करता है? ज्यूरी? हमारी हॉस्पिटैलिटी इंडिया ज्यूरी है जो ये सब डिसाइड करती है। हम सारा इनको काफ़ी पूरे एक साल तक इसको फॉलो करते हैं और जिस लाइन पे हमारा एक पैटर्न बना होता है कि किस स्टेट को हमें अवार्ड देना है, वो सब चीज़ें देखने के बाद हम इसको डिसाइड करते हैं। और किस तरह का आज इवेंट रहा, किस तरह का सपोर्ट मिला और क्या कुछ कहना चाहिए? मुझे हमेशा, मेरे को जब से मैंने ये इवेंट शुरू किया है, मैं दिल्ली में भी पिछले 18 साल से इवेंट कर रहा हूँ। हमारे चीफ गेस्ट खुशहारी जी थे जो गवर्नर रहे महाराष्ट्र के, विजय गोयल जी आए थे, मुझे मैसेज दिया था अजय भट्ट जी ने, टूरिज्म और डिफेंस मिनिस्टर ने, वो आ नहीं पाए, उनकी लड़की की शादी थी, वरना वो मेरे इवेंट पे ज़रूर आते और वो मुझे बहुत उनका आशीर्वाद रहा है कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है कि तू टूरिज़्म को बढ़ाते हो और मुझे इस बात की बहुत खुशी है। सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे पूरे प्रोग्राम को लेकर? आप आए हैं गेस्ट के तौर पर, आपके हाथों कुछ लोगों को सम्मानित किया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा सबसे पहले कि इट्स अ ग्रेट ऑनर टू बी हेयर, बड़ा अच्छा लगा आके और अच्छे लोगों से मिला, और जो कालर साहब काम कर रहे हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन ने काम करे हॉस्पिटल अवार्ड का, तो ये बड़ा अच्छा काम है क्योंकि उससे आप लोगों को जो हार्ड वर्किंग स्टाफ होता है उसका आप इनकर्ज करते हो, चाहे वो जनरल मैनेजर है या मेड स्टाफ रूम मेड है या रिसेप्शन स्टाफ है, उनके लिए बड़ा प्रेशर होता है। जैसे मैंने अपनी स्पीच में ही बोला था कि जो लोग आते हैं वो बहुत डिमांडिंग होते हैं, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप देयर मोरल हाई और उसको अप्रिशिएट किया जाए। अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, तो ये इनकी ऑर्गेनाइजेशन ये काम कर रही है, उससे देश में जैसे टूरिज़्म बढ़ रहा है और जैसे अभी छत्तीसगढ़ आज मेन स्पॉन्सर थे तो छत्तीसगढ़ के अंदर लोग ज़्यादा जाएंगे आज के आने के बाद क्योंकि इसको प्रमोट किया इन्होंने। तो मैं थैंक यू करता हूँ कल्ला जी का कि उन्होंने छत्तीसगढ़ को मेन बेस बना के सब लोगों को इनक्रेज किया और प्रमोट किया है, और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं यहाँ आया हूँ और उम्मीद करते हैं कि देश के अंदर ही टूरिज़्म और बढ़ेगा और लोगों को अप्रिशिएट किया जाएगा और उनको थैंक यू किया जाएगा उनके हार्ड वर्क के लिए। अच्छा, और इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे चीफ गेस्ट इस फंक्शन के आज सुनील चोपड़ा जी रहे जो मेयर रहे हैं लंदन में और अभी काउंसलर हैं, और हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर मिस्टर विनोद बच्चन जी जो बॉलीवुड फिल्मों में इन्होंने भी अपने एक तरह से टूरिज़्म भी वो किया और बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में बनाई हैं, और मैं उनका भी बहुत आभारी हूँ कि वो इस फंक्शन को उन्होंने अटेंड किया। मैं आपका थैंक यू करना चाहूँगी, आपने मुझे इन्वाइट किया और मुझे इतने अच्छे लोगों से मिलवाया कि और मुझे पता चला कि कितने लोग कितना अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे? तो नहीं, वैसे बढ़ावा देने के लिए लोग बॉलीवुड के स्टार को ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम को लेकर? इस प्रोग्राम को लेकर मैं क्या कहूँ, मैं तो हर साल सुनीत जी के साथ हूँ और थैंक्स टू सुनीत कालरा जी और रजनी जी, दे ऑलवेज ट्राइड टू प्रमोट द ऑल स्टेट ऑफ इंडिया और ये हमेशा प्रमोट करते हैं, लोगों को सम्माइट करते हैं, सम्मानित करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है और हमें जितना सहयोग हम इनका कर सकते हैं हम करते हैं, और इनके द्वारा जो भी लोकेशंस बताए जाते हैं स्टेट में हम आ जाने की कोशिश करते हैं, शूट करते हैं, और हमारा भी और इनका दोनों का एक ही मकसद है कि जितना इंडिया को हम प्रमोट कर सकें थ्रो फिल्म्स, थ्रो बुक्स, थ्रो अवार्ड, सो वी आर अबाउट डूइंग सेम काइंड ऑफ थिंग्स। थैंक यू। इवेंट्स के बारे में बताइए, बहुत सारे लोग आए, उनको अवार्ड दिया गया, सम्मानित किया गया, तमाम चीफ गेस्ट आए, सुनील जी आए। हाँ जी, मैं तो बस आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि ये सब लोग यहाँ पर आए और इन्होंने इतने सारे लोगों को सम्मानित किया, और मैं आभार प्रकट करना चाहती हूँ छत्तीसगढ़ टूरिज़्म बोर्ड का जिन्होंने आज का इवेंट इतना सक्सेसफुल बनाया। उनके मैं सबको कहना चाहती हूँ कि सबको छत्तीसगढ़ जाना चाहिए, विज़िट करना चाहिए, बहुत खूबसूरत जगह है, और हम सबको वी शुड एनकरेज टूरिज़्म इनटू द ट्राइबल पार्ट्स ऑफ इंडिया, मेरा तो आज का बस यही मैसेज है। और हाँ, सब अयोध्या ज़रूर जाएं, राम मंदिर को ज़रूर विज़िट करके आएं, वो मेरी एजेंडा लिस्ट पे सबसे प्रायोरिटी पे है अभी। थैंक यू सो मच। एक्चुअली हमारी जूरी है, ये लोग पूरे साल में जैसा परफॉर्मेंस देते हैं उनकी कंपनी से हमको उनके नाम आते हैं, देन जूरी शॉर्टलिस्ट्स द नेम एंड गिव अवे द अवार्ड्स। यहाँ पे वी हैव गिवन अवे द अवार्ड्स टू टू रेस्टोरेंट्स एंड 41 होटल्स टुडे एंड थ्री पीपल फ्रॉम ट्रैवल एजेंसीज। Thank you.
बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सब अभिनेता को, नेता को सब लोग सम्मानित करते हैं। ये लोग जो हमें केटर करते हैं, कंफर्टेबल फील कराते हैं। हमारी लाइफ का जो सबसे सुंदर पल होता है वो हॉलिडे होता है, छुट्टी का पल, ये हमारे लिए क्रिएट करते हैं। तो हमें इनका पूरा ध्यान रखना चाहिए, इन्हें सम्मानित करना चाहिए। और इनका हार्डवर्क दिखता नहीं है, हमेशा लगता है कि दे आर ऑलवेज वेल ड्रेस, दे लुक सो सोफिस्टिकेटेड, ग्रेट, बट देयर इज लॉट्स ऑफ हार्डवर्क बिहाइंड ऑल दिस। अभी तो वो भी मैं यही बोलूँगी कि वो उस पर भी हाईलाइट जो है वो अयोध्या ही है, श्री राम मंदिर ही है। और श्री राम जी की वजह से ये कॉफ़ी टेबल बुक भी उतना ही अच्छा होगा जितने पहले के थे। नहीं, मैं अभी यूके से वापस आई हूँ और मेरा शायद 17 या 18 तारीख को। थैंक यू सो मच। ये जो कार्यक्रम हुआ है बहुत ही बढ़िया हुआ है और यहाँ पे हॉस्पिटल इंडस्ट्री के सभी लोग आए हैं और उसमें हमारा जो ब्रांड है उडुपी टू मुंबई, ये चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स हैं जो अभी 14 जगह पर प्रचलित है और इसको बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला है, बहुत पसंद किया है लोगों ने। और इसके उपलक्ष्य में हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मैडम है यहाँ पर, वो कुछ बात कहेगी। हमारे मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट है, थीम हमारा उडुपी टू मुंबई, यानी कि उडुपी और साउथ इंडियन और महाराष्ट्रियन एंड मल्टी कुजिन, ऐसे हमारा थीम के साथ ये रेस्टोरेंट है। पैन इंडिया में है हमारा और वाराणसी कॉरिडोर, अभी जल्द उज्जैनी में भी आ रहा है और सूरत में आ रहे हैं हम जल्दी में, बहुत जल्द। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी एक कोशिश जो हम सर्व करते हैं मल्टी कुजिन, उसको उन्होंने अप्रिशिएट किया, ये हमारे लिए बहुत खुशी और गर्व की बात है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। कहना चाहता हूँ कि सुमित कालरा जी ने मुझे बुलाया है और मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया इस प्रोग्राम के लिए। माय प्लेजर। और मेरी एक्चुअली कुछ स्थिति कुछ ऐसे थी कि मैं आई वाज इन दुबई और मैं अभी जस्ट लैंड हुआ हूँ और पहुँचा हूँ इधर, तो उसकी वजह से मुझे दुख है कि मैं थोड़ा सा लेट हुआ हूँ। नहीं तो ये सब जितना बड़ा ये प्रोग्राम था सुमित कालरा जी का, तो मैं इसमें इंजॉय करना चाह रहा था, इसीलिए मैं दुबई से आया हूँ। नहीं तो मैं कल आने वाला था, मैं दुबई से इसके लिए ही आ जाया हूँ। और मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ कि मुझे इस इवेंट का मैं एक पार्ट बना हूँ और सुमित कालरा जी को धन्यवाद देता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं सुमित कालरा जी के लिए। और हमारे साथ में जो सर बैठे हैं, बहुत बड़े गुणी कलाकार हैं, हम लोग जो है ना यकीन मानिएगा ऐसे गुणी कलाकारों को बहुत सम्मान देते हैं, और क्योंकि म्यूजिकल परिवार से हैं, एक म्यूजिक कंपोज़र हूँ, एक एक्टर हूँ मैं, तो इसलिए मैं ऐसे लोगों में बड़ा खुश होता हूँ। क्या बात है, क्योंकि आर्टिस्ट लोगों के साथ में मिलके बड़ा दिल को खुशी होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा दिल खुश हुआ आपसे मिलकर। आप कुछ बताइए। उस्मान भाई जी हैं, बहुत अच्छे म्यूजिक कंपोज़र हैं, बहुत कंपोजिशन मैंने इनकी सुनी है, बेहतरीन कलाकार हैं, जैसी कंपोजिशन होनी चाहिए वैसी बनाते हैं। शब्दों को चुनना, उसके हिसाब से रिदम को चुनना, उसके हिसाब से उसकी फीलिंग को देखते हुए राग को चुनना और फिर कंपोजिशन तैयार करना, ये बहुत मुश्किल काम है, सब लोग नहीं जानते। जिनको तालीम हासिल होगी वही लोग कर पाते हैं इस काम। तो उस्मान भाई को आज सम्मान मिला है ये, और सम्मानित करते हुए मुझे बहुत खुशी हुई है कि, और कालरा जी के परिवार ने इतना बड़ा फंक्शन किया है और मुझे आमंत्रित किया उसमें, सब काफ़ी लोगों को सम्मानित कर किया है, बहुत अच्छा लगा हमको। और उस्मान भाई को बहुत बहुत फिर दोबारा से मैं मुलाकात मुबारकबाद देता हूँ आपको। सर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं इतना बड़ा आर्टिस्ट नहीं हूँ, इतना बड़ा म्यूज़िक कंपोज़र नहीं हूँ जितना भाईजान ने मेरी तारीफ़ की है। ये इनका बड़प्पन है, इनका प्यार है मेरे प्रति,
धन्यवाद सर, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। गॉड ब्लेस यू सर। राजन जी हैं। मैं राजन सैगल, जैसे मैंने बताया मैं ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता हूं और काटरा फैमिली से मेरा जो एसोसिएशन है वो बहुत पुरानी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज मैं कालरा साहब के फंक्शन की वजह से गुरुजी के साथ बैठा हूं और उस्मान भाई जी से मिलने की हमें आज बड़ी किस्मत अच्छी है जो इतने बड़े कलाकार से मिले। और जब किसी कलाकार से मिलते हैं तो एक किस्म से भगवान से मिलना हो जाता है। और आज इतने अच्छे सेलिब्रिटीज़ आए, इस तरह के जो अवार्ड फंक्शन होते हैं वो दुनिया को मोटिवेट करते हैं, कलाकारों को, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को मोटिवेट करते हैं। जैसे कि हमने देखा बहुत रिसेशन था पिछले कुछ साल पहले, लेकिन अब ये मोटिवेट करने के लिए ऐसे फंक्शन बहुत अच्छे हैं और हम कालरा फैमिली को पूरी शुभकामनाएं देते हैं कि ऐसे फंक्शन और करते रहें। शुक्रिया। राजन सहगल जी के बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा। राजन सहगल जी बहुत ही एक सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। एज ए ह्यूमन बींग ही इज़ अ ग्रेट मैन। और मैं राजन सहगल जी ने जो मुझे इज्जत दी है उसका मैं आभारी हूँ। और जो राजन सहगल जी ने मुझे इन्वाइट किया 1 मार्च के लिए, मैं उसके लिए भी धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। और मेरी दिल से शुभकामनाएं हैं कि 1 मार्च को जो आप इवेंट कर रहे हो उसको ऊपर वाला कामयाबी दे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू सो मच।